देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों की तरफ। रेलवे के खिलाफ आज लामबंद हुए म्याना के ग्रामीण, कई समय से अंडरब्रिज से परेशान है ग्रामीण। आपको बता दें कि म्याना में बना यह अंडरब्रिज अक्सर पानी से भर जाता है, इसके चलते कई बार ग्रामीणों ने रेलवे के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। गर्मियों के दिनों में भी इस अंडरब्रिज में पानी भरा रहता है। आज रात को बारिश के चलते यहां के हालात बद से बदतर हो गए। इसमें इतना पानी भर गया कि कोई भी वाहन वहां से नहीं निकल पा रहा था। अगर कोई चार पहिया वाहन वहां से निकलने की कोशिश करता तो उसका वाहन बीच में ही बंद हो जाता। कई वाहनों को तो ट्रैक्टर की सहायता से बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी ग्रामीण रेल की पटरी पर जमा हो गए और वहां से किसी भी ट्रेन को नहीं निकलने दिया गया। जैसे ही इसकी सूचना रेलवे को लगी तो आनन फानन में आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आश्वासन दिया कि पानी को जल्द ही यहां से निकाल दिया जाएगा और आगे से कभी भी किसी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जो है अब आप बताइए, उसके बाद हम निकल ले जाओ यहाँ से। हजार एक आंदोलन किया ट्रैक पर और ये जल भराव के कारण होने वाली जन समस्याओं के कारण हमारे सम्मुख जी एन महोदय खड़े हुए हैं। हमको उन्होंने आश्वस्त किया है कि पुलिया का पानी जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा और हम उनके आश्वासन से सरोकार रखते हुए हमारे आंदोलन का स्थगन करते हैं और सभी लोग यहाँ आए उनका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। क्या हुआ आज सभी म्याना ग्रामवासियों मिलकर ये रेलवे अंडरब्रिज की जो समस्या है जिसमें जो पानी भर जाता है जिससे आमजन और आम जनता स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, गाड़ियों से उसी में गिर जाते हैं और उसमें जानवर भी है, तो इसी तारतम्य में सभी लोग एकत्रित होकर ये आंदोलन किया, चक्का जाम किया और रेलवे विभाग के डीएन महोदय जी आए और रेलवे रेलवे प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया। रेलवे प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अभी तत्काल में वो पंप लगा रहे हैं जो पानी भरा हुआ है उसको निकालने के लिए और ऊपर जो नालियां उन्होंने जो खोद दी थी उनको भी वे बंद करवा रहे हैं क्योंकि जिससे कि आम लोग पैदल वाले निकल सकें और बाकी उनके द्वारा आश्वासन ये दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का सोल्व कर दी जाएगी और उन्होंने जी हमें आश्वासन दिया। और जय हिंद जय भारत। म्याना से शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते आज फिर गई एक जान। आपको बता दें कि शहर भर में कई ऐसे विद्युत पोल हैं जहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं है और कई तार खुले में पड़े हुए हैं। बारिश के समय में पूरे तारों में करंट दौड़ता रहता है जिससे पहले भी गुना जिले के लोगों को करंट का सामना करना पड़ा है। आज ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब एक गाय के बछड़े को करंट लगा और वो खम्भे से टकराने से खम्भे पर ही चिपक कर रह गया। जब आसपास के लोगों ने उसे निकालने की कोशिश की तो उन्हें भी करंट का झटका लगा। इसी कारण के चलते वह गाय का बछड़ा वहीं मर गया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग के लोगों को इस समस्या से अवगत कराया गया है जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। यदि इसी तरह से लोगों को करंट लगता रहा तो किसी दिन एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। सवाल यह है कि कब सुधरेगा विद्युत विभाग। क्या हो गया यहाँ पे? कुछ नहीं, बिजली से वो खम्भे से गाय मर गई।
गाय तड़प रही थी तो हमने खींचा, हमको करंट लग गया। कितने बजे की बात है? 9:20 की। और क्या परेशानी आ रही है आपको? और कुछ परेशानी नहीं आ रही, बिजली विभाग से बुलवा के और जी तार मार डल रहा है ना सरकार जी इधर बस्ती के, तो इनको हटवाना है। 100 नंबर गाड़ी बुलाई थी वो भी आ गई, उनने भी सहायता दी उनकी। तार क्या अवैध रूप से चल रहे हैं क्या? तार क्या अवैध रूप से चल रहे हैं? तार कम से कम 50,000 तार डल रहा है, उनसे बोलते हैं तो वो डलने को आते हैं, तो बोलना चाहते हैं पूरा पैक करा दें उसको, जितनी डोरी चोरी डल रही है ना उनको हटवा के पैक करा दें उसको, कोई दिक्कत नहीं, उसको करंट नहीं आएगा। अभी गाय मरी है, कोई भी मर सकता है वहाँ। आज सुबह इनरविल क्लब द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो शास्त्री पार्क से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा बस स्टैंड होती हुई जयस्तंभ चौराहे से लक्ष्मीगंज होकर शास्त्री पार्क पुनः पहुंची। रैली का शुभारंभ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री राजन सलूजा एवं CMO PS बुंदेला द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली के दौरान क्लब की महिलाओं द्वारा डस्टबिन वितरित किए गए तथा सूखे एवं गीले कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन उपयोग करने की सलाह दी गई। साथ ही यह संदेश भी दिया गया कि कचरा डस्टबिन में ही फेंकें। से हमारी बहनों ने आज जो प्रभात फेरी निकाल कर शहर में स्वच्छ भारत मिशन में जो सहयोग के लिए शुरुआत की है, मैं पूरी बहनों को बधाई देता हूँ। मधु भाभी जिनके नेतृत्व में पूरे लोगों ने आज एक प्रभात फेरी निकाली, और मैं चाहूँगा कि सभी बहनों से निवेदन करूँगा कि आप अस्पताल जाकर कचरा खाने में भी आप जाया करें। जो बहनों को जो तकलीफ है, जो अस्पताल की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि बहनें ही जा सकती हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ सभी बहनों से कि आप उस गरीब महिलाओं की इसकी तरफ भी देखें। मेरी ओर से नगरवासियों की ओर से कच्चा खाने पे भी ध्यान दें। मैं अपनी ओर से नगर पालिका परिषद की ओर से सभी बहनों को धन्यवाद देता हूँ, उनकी बहन को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, शहर में डस्टबिन रखे और स्वच्छ भारत मिशन में कचरा कूड़ादान में ही डालें, डस्टबिन में डालें, ये संदेश दिया। और सभी बहनों को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यह टेक की सरकार कैंट क्षेत्र में आज एक पेड़ के गिर जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि शहर में अलग अलग स्थानों पर पुराने पेड़ अपने आप गिरने लगे हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया कैंट में एक निजी स्कूल के सामने, जब एक पेड़ की डगालें टूटकर गिर गईं। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन सोचने लायक बात यह है कि यदि उस समय उस निजी स्कूल के बच्चे वहां पर होते तो क्या कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता। सावन के मौके पर भक्ति भाव में झूम रहे शहर में रामकथा का आयोजन हुआ। यह संगीतमय रामकथा 12 जुलाई से 20 जुलाई तक शहर के जाट मोहल्ला स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित की जा रही है। इस कथा में प्रवक्ता के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने मुखारविंद से श्री रामकथा का पाठ करेंगे। आज इस रामकथा का दूसरा दिन था और इस कथा में सुनने वाले शहर के कई भक्तजन इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी आत्मनंद सरस्वती जी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास अयोध्या के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। भज भी
मुस्लिम समुदाय ने आतंकवाद का पुतला फूंका। फिक्रे मिल्लत टीपू सुल्तान यूथ विंग के अध्यक्ष मोहसिन कुरैशी के नेतृत्व में आज हनुमान चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका गया, साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस पुतला दहन से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा किए गए इस घिनौने कृत्य के विरोध में हैं। फिक्रे मिल्लत गुना यूथ विंग हजरत टीपू सुल्तान विंग द्वारा अध्यक्ष मोहसिन कुरैशी के नेतृत्व में जो घिनौनी हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई है उसके खिलाफ में आज उनका पुतला दहन किया गया है। और साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि निश्चित रूप से तथाकथित संगठन जिसकी आड़ में जो घिनौनी हरकतें पूरे देश में कर रहे हैं उसका विरोध भी हम पुरजोर करते हैं, और इस प्रकार की हरकत चाहे देश की सीमा के अंदर हो बाहर हो उसका पुरजोर विरोध किया जाता है, और इस प्रकार की हरकत अगर होती है तो उसके लिए हमेशा हम लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। यादव महासभा ने जिले भर में किया आतंकवाद पुतला दहन का कार्यक्रम। यादव महासभा के बैनर तले किए गए इस पुतला दहन में नगर पालिका उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आह्वान किया है कि जिन लोगों ने भी अमरनाथ में इस तरह की शर्मनाक कृत्य किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चौराहे पे गोली मारना चाहिए, नहीं तो फांसी देना चाहिए, ताकि किसी की और जरूरत ना हो कि वो हमारे भारत मुल्क की तरफ देखे और जो हमारे धार्मिक स्थान है उनकी सुरक्षा पे और ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाए। जय हिंद जय भारत। डीजियाना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।